दोस्तों भारत जिस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल भारत ने अपने 75 सालों के इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा डिफेंस के ऊपर एक्सपोर्ट किए हैं। तो इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं रूस जैसे देशों का हाथ है, जो लगातार काफी लंबे समय से भारत के दोस्त रहे हैं। क्योंकि अब आप खुद ही देखिए कि भारत और रूस की मदद से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए आज 15 देश लाइन में लगे हुए हैं दोस्तों। वहीं भारत ने भी कमर कस लिए हैं और अब प्रोडक्शन बड़े लेवल पर शुरू किया जाएगा और सभी देशों को मिसाइल एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू किया जाएगा। लेकिन अब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को एक ऐसे देश को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं जो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता आया है, और सिर्फ भारत के आंतरिक मामलों में नहीं बल्कि हमेशा से पाकिस्तान का साथ देते आया है, ताकि भारत को किसी भी तरीके से नीचे झुकाया जा सके। दोस्तों यह देश पाकिस्तान के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि लगातार भारत की जो भी पड़ोसी देश है वहाँ पर अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, और वह भी बहुत कम कीमतों पर। तो भारत ने भी फैसला कर लिया है कि अब जिस तरीके से तुम हरकतें कर रहे हो भारत भी वैसा ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की देश की, जिसके पड़ोसी देशों में भारत ने अपनी मिसाइल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दो डील ऑलरेडी फाइनल हो चुका है और अब तीसरी डील अगर फाइनलाइज हो जाए तो चारों और सिर्फ भारतीय हथियार ही नजर आएंगे। पूरी जानकारी क्या है दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय नागरिक हैं और आप भी भारत देश से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद जय भारत। दोस्तों हम तुर्की के जिस पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं उनका नाम है ग्रीस। इससे पहले तुर्की के ही देश आर्मेनिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया और भारत ने भी आर्मेनिया की बात को एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर निकल कर आई है वह है ग्रीस देश से भारत ने बहुत जल्द ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहे हैं। भारत से लेकर के ब्रह्मोस की सारी डील्स को फाइनलाइज कर लिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ग्रीस का मैप देखेंगे तो यह कई छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ है, जबकि तुर्की एक बड़े आइलैंड में बसा हुआ एक देश है और यहां से ग्रीस पर निगरानी रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रीस 10 ब्रह्मोस मिसाइल खरीद करके अपने सिर्फ सॉलिड बॉर्डर पर इंस्टॉल कर देता है तो तुर्की को आसानी से काउंटर किया जा सकता है। और आर्मेनिया ग्रीस के साथ साथ वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सऊदी अफ्रीका सहित भारत देश हैं जो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं।